दोस्तों, अफ्रीका हो या फिर भारत, हर वो जगह जहाँ के जंगलों में हाथी पाए जाते हैं, वहाँ एक अजीबोगरीब घटना जरूर होती है जब हाथियों का कोई झुंड पूरा का पूरा जंगल ही उखाड़ कर रख देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा मजबूत पेड़ या फिर एक ऐसा भारी भरकम पेड़ जिसे 100 इंसान मिलकर भी हिला नहीं सकते। न जाने क्यों और कैसे हाथी इन पेड़ों को महज कुछ ही सेकंड में उखाड़ कर फेंक देते हैं। अब ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि दर्थ एडवेंचर की टीम आपको कुछ खास दिखाने वाली आज। अब एक बात कि हम जिस घर में रहते हैं, अगर उसी घर को कोई नुकसान पहुंचाए तो ये सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर ऐसा कोई क्यों करता है। पहले तो इस बात पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों को लगा कि शायद हाथी किसी बात को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते होंगे, शायद हाथी को कोई शारीरिक परेशानी होगी। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों को हाथियों के इस व्यवहार के पीछे एक ऐसी बात पता चली जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आज के वीडियो में हम आपको हाथियों के इसी व्यवहार के बारे में बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको हाथी के इस व्यवहार के बारे में बताऊं, उससे पहले आपसे एक सवाल है, क्या कभी आपने किसी नशेड़ी या फिर किसी पियक्कड़ को देखा है जो नशे की हालत में या फिर शराब पीकर कोई भी अजीबो गरीब सी हरकतें करता हो। दरअसल जब कोई इंसान शराब पीता है तो उसका दिमाग उसके वश में नहीं रहता, वो वही करता है जो उसे करने में उस वक्त तो मजा आता है। शराब का एक नशेड़ी गालियां देता है, तोड़ फोड़ करता है, जहां मर्जी वहां लेट जाता है और भी न जाने क्या क्या। दरअसल ऐसा करके उसके दिमाग को एक गजब का आनंद मिलता है। ठीक वैसे ही दुनिया भर में रहने वाले हाथियों के साथ भी होता है, और यही वजह है कि एक हाथी महज मजे मजे में पूरे के पूरे जंगल को उखाड़ कर फेंक देता है। खैर, अब आते हैं असली मुद्दे पर। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका के जंगलों में एक पेड़ पाया जाता है जिस पर मारूला नाम का एक फल लगता है। ये फल आकार में बहुत छोटा होता है, लेकिन ये स्वाद में बड़ा मीठा होता है। और इस फल की सबसे खास बात ये है कि इस फल में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नशीला होता है। अगर इसकी तुलना बाजार में मिलने वाली शराब से करें ना, तो शराब से भी कई गुना ज्यादा नशीला फल होता है ये। साल में कुछ मौसम ऐसे होते हैं जब इस पेड़ पर इन फलों की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये फल स्वाद में बेहद मीठे होते हैं। जंगल में रहने वाले कई जानवर ऐसे होते हैं जो इस मौसम में इस फल के पीछे पीछे भागे आ जाते हैं, और उन्हीं जानवरों में से एक होता है हाथी। सबसे पहले तो जानकारी के अभाव में इस मीठे फल को ये खा जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके अंदर पाए जाने वाले तत्व से उसके दिमाग पर जो खुमार छाता है, उससे हाथियों को इतना ज्यादा मजा आता है कि वो उस फल के एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे उनके दिमाग से नशे का प्रभाव खत्म होता है, वो फिर से उस फल की खोज में लग जाते हैं। लेकिन इस दौरान नशे की वजह से हाथियों के दिमाग में खुराफात भी जाग जाता है, और उनमें से कुछ हाथी सिर्फ मस्ती मजाक में और खेलकूद के दौरान ही जंगल में पाए जाने वाले एक एक पेड़ को उखाड़ कर फेंकने लगते हैं। ऐसा करके उस वक्त नशे की हालत में उन हाथियों को बड़ा मजा आता है। कई बार तो उस फल के खाने की वजह से हाथियों के ऊपर इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि वे हाथी ठीक से चल फिर भी नहीं पाते। अगर आप शराब पीते हैं और आपको भी नशे की हालत में इस तरीके की खुराफात सूझती है, तो आप हाथियों के इस व्यवहार को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि अब तक कई मामले भी ऐसे आए हैं जब जंगल में हाथियों को खेलने का कोई संसाधन नहीं मिलता तो वो किसी बड़े पेड़ को अपना निशाना बना लेते हैं। खैर, ये तो होगी पहली बात। हाथियों के द्वारा जंगल के एक एक पेड़ को उखाड़ देने के पीछे एक कारण और भी होता है। दरअसल साउथ अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर पानी की बेहद कमी है, और ये कमी साउथ अफ्रीका के जंगल में भी बखूबी देखने को मिलती है। साउथ अफ्रीका के जंगल में रहने वाले अधिकतर जानवर पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, और यही काम साउथ अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले हाथियों को भी करना पड़ता है। साउथ अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले हाथी किसी एक इलाके में तभी तक रहते हैं जब तक वहाँ पर पानी मौजूद रहता है। गर्मियों के दौरान एक लंबे समय तक जब बारिश नहीं होती है तो जंगल में मौजूद अधिकतर तालाब सूख जाते हैं, और अंत में जब पानी नहीं मिलता है तो पहले तो वो हाथी कुछ दिनों तक बारिश का इंतजार करते हैं, और जब उनका इंतजार और लंबा होने लगता है तो वो वहां से एक नए ठिकाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस बीच पानी की कमी और बेहद गर्मी की वजह से कुछ हाथियों का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि पानी न मिलने की वजह से और एक लंबे इंतजार की वजह से हाथियों का दिमाग बेहद गुस्सैल हो जाता है, और जंगल में अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए, अपना गुस्सा उतारने के लिए हाथियों को अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखाई देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाथियों के गुस्से का लेवल इस कदर बढ़ जाता है कि वो जंगल में मौजूद एक एक पेड़ को उखाड़ देते हैं, यहाँ तक कि वे छोटे छोटे पौधों को भी नहीं छोड़ते। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे कारण की ओर,
दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि हाथी एक झुंड में रहने वाला जानवर है, एक परिवार बनाकर रहता है। हाथियों के एक झुंड में कई दर्जन हाथी हो सकते हैं और हाथियों का ऐसा बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता कि इनके ग्रुप में या फिर इनके इलाके में कोई बाहरी हाथी या किसी बाहरी जानवर का दखलंदाजी हो। कई बार ऐसा होता है पानी या फिर खाने की तलाश में बाहरी इलाके का कोई हाथी दूसरे हाथी के इलाके में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद वे हाथी बाहरी इलाके से आए हुए हाथी के एंट्री का विरोध करते हैं। ऐसे में बाहरी इलाके से आया हुआ हाथी सिर्फ गुस्से की वजह से उस इलाके के पेड़ पौधों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। आसान शब्दों में कहें ये वही बात होगी कि काम बन जाए तो ठीक, नहीं तो काम बिगाड़ कर आ जाओ। दूसरे इलाके से आया हुआ हाथी जंगल को बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाने के बाद वहां से अपने इलाके की तरफ निकल पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाथी जंगल में अपने इलाके की निशानदेही करने के लिए अपने इलाके के बॉर्डर पर अपने मल को छोड़ देता है, ताकि दूसरे इलाके से आए हुए हाथी उसे देखकर ये समझ जाएं कि यहाँ से किसी दूसरे ग्रुप का इलाका शुरू हो रहा है। तो दोस्तों आपने देखा नशा क्या चीज है। वैसे एक बात तो समझ में आ गई, इंसान हो या फिर जानवर, नशे की हालत में सिर्फ बुरा ही होता है, अच्छा होने की संभावना बड़ी कम रहती है। नशे की हालत में अगर कोई हाथी पूरे जंगल को उखाड़ सकता है तो इससे उन्हें कोई फायदा नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान ही है, और बिल्कुल ऐसे ही इंसानों के साथ भी होता है। दोस्तों आपको बता दें कि दिमाग में एक सर्किट होता है जिसे रिवॉर्ड पाथवे कहते हैं। नशे की वजह से जब दिमाग उत्तेजित होता है तो वो डोपामाइन नाम का केमिकल छोड़ता है। डोपामाइन रिलीज होने पर व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। लगभग सभी तरह के नशे के उत्पाद दिमाग पर बिल्कुल इसी तरह का असर दिखाते हैं। ये वजह है कि लोग जल्दी ही नशे के आदी हो जाते हैं। गंभीर मामलों में लंबे समय तक किसी नशे का इस्तेमाल करने से दिमाग पर इसका स्थायी असर पड़ सकता है। यह असर नशा करना छोड़ देने के बाद भी कई वर्षों तक रह सकता है। यही कारण है कि नशा छोड़ देने के वर्षों बाद भी किसी व्यक्ति के फिर से नशे के चंगुल में दोबारा फंसने की आशंका रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं उस अजीबोगरीब मीठे फल की तरफ जिसका नाम मारूला है। दोस्तों एक बात तो साफ है, नशा एक ऐसी चीज है जिसका मजा सिर्फ इंसान नहीं बल्कि मौका मिलने पर जानवर भी लेना नहीं भूलते। हालांकि हमारा मकसद नशे को प्रमोट करना बिल्कुल भी नहीं है, हम सिर्फ इससे जुड़ी जानकारी आपके सामने पेश करना चाहते हैं। अफ्रीका में उगने वाले इस नशीले फल का मजा सिर्फ हाथी नहीं लेते बल्कि हर वो जानवर जो इस फल तक पहुंच पाता है वो सभी गर्मी के मौसम में उगने वाले इस फल को खाकर झूमने लगते हैं। यहाँ तक इस फल का मजा लेने से जंगली सुअर तक नहीं चूकते। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, मारूला का बीज प्रोटीन और वसा का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप इस फल को खाएंगे तो यकीनन आपको अखरोट की याद आ जाएगी। ये वजह है कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग इस फल को एक बेहतरीन आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। हालांकि अगर बात इस फल के प्रयोग की करें तो ये जानकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इंसान इस फल का प्रयोग शराब बनाने के लिए भी करते हैं। इन फलों के रस के साथ बाजार में बिकने वाली सबसे प्रसिद्ध शराब अमरूला है। इसके साथ ही इस फल का उपयोग तेल बनाने के लिए भी किया जाता है। मरूला तेल बीज की गिरी से बनाया जाता है जिसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। ये बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है। सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए इस फल का उपयोग करते हैं। इस फल के बीज में त्वचा का एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट रक्षक पाया जाता है। इस बेहतरीन फल का प्रयोग सिर्फ नशे के लिए नहीं बल्कि दवाई के लिए भी होता है। मारूला पेड़ की छाल मलेरिया प्रोफिलैक्सिस के लक्षणों का इलाज करने के लिए भी काफी उपयोगी है। यहाँ तक कि इसका उपयोग एथेनॉल ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है। ये बेहतरीन फल उन लोगों के लिए काफी उपयोगी है जो खराब पाचन से पीड़ित है। दर्द और पाचन की समस्या के लक्षणों को खत्म करने के लिए इस पेड़ की पत्तियों की चाय बनाकर दक्षिण अफ्रीका के लोग सेवन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप हाथियों के इस व्यवहार को किस नजरिए से देखते हैं कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी जानकारियों से भरी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।